कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखने की जो मामला है वो आगे बढ़ गया है। यूपी और उत्तराखंड के बाद अब उज्जैन में आदेश जारी किया गया है कि दुकानदार अपना नाम लिखें, ऐसा नहीं करने पर 2,000 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। मेयर ने कहा है कि मुस्लिमों को टारगेट नहीं किया जा रहा, यह सबके लिए आदेश है। काशी में कांवड़ रूट पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी। उधर यूपी के शहरों में सख्ती के साथ आदेश लागू हो गया है, कल से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और इसको लेकर राजनीति भी काफी तेज है कि आदेश को वापस लिया जाए। पहले मुजफ्फरनगर से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद से विपक्षी पार्टियां टूट पड़ी, सरकार पर हमला बोला और दबाव बना रही थी कि सरकार इस फैसले को वापस ले, लेकिन योगी सरकार अपने फैसले पर अड़ी। वक्त मुजफ्फरनगर से पूरा मामला जो है बढ़कर पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, फिर उत्तराखंड में भी लागू हुआ, खासकर हरिद्वार में, अब उज्जैन महाकाल के दरबार में, वहां आसपास पूरे इलाके में नगरपालिका ने आदेश दिया है कि ये लागू हो। चलिए कुछ इसको और अपडेट कर दें आपको, इसमें तमाम जो डिटेल्स हैं वो पहुंचा दें। फरमान का फैला दायरा उत्तर प्रदेश, योगी सरकार का ये आदेश और आदेश मानना होगा। अब उत्तराखंड में भी धामी सरकार ने ये आदेश दिया है, खासकर हरिद्वार में, क्योंकि कांवड़िए श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, लाखों लोग पहुंचते हैं जो जल लेकर आते हैं उत्तर प्रदेश, वो दिल्ली एनसीआर के हर इलाके में जाते हैं, हरियाणा को जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी उज्जैन मेयर का ये आदेश जारी हो चुका है कि इसको लागू किया जाए। अब देखिए जरा, दुकान पर नाम जरूरी है यूपी में, उत्तराखंड में कांवड़ रूट पर नियम लागू है, मध्य प्रदेश में दुकान मालिक का नाम अनिवार्य है कि आप लिखें, डिटेल्स लिखें। जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं दोनों तरफ से आ रही हैं, कुछ लोगों को आपत्ति है लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि फैसला सही है। सरकार कह रही है कि नाम बताने में हर्ज क्या है, क्या परेशानी, ये तो सबसे पूछा जा रहा है, इसमें सिर्फ मुसलमान से थोड़ी पूछा जा रहा है, ये टारगेट थोड़ी किया जा रहा है, ये तो हिंदुओं को, सिख, ईसाई, सबसे बोला जा रहा है, जो भी दुकानदार हैं। विपक्ष कह रहा है कि भाईचारा इससे कम होगा। अब ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि अब जरा बताइए कि भाईचारा कैसे कम होगा, ये जब आदेश सबके लिए है, दुकान चला रहे हैं, अगर किसी को नाम जानना है, नाम उन्होंने देखा, तो इसे परेशानी क्या है। ये दोनों बातें दोनों पक्षों की तरफ से है, तो ये नाम को लेकर घमासान है। सरकार कह रही है कि इससे विवाद कम होंगे, जो कंफ्यूजन होता है बाद में लड़ाई होती है, उससे पहले ही लोग ये देखेंगे। विपक्ष कह रहा है कि ये गैर जरूरी आदेश है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। तो ये तमाम डिटेल्स आपको पहुंचा रहे हैं। चलिए अब देखिए जरा बड़ी खबर मध्य प्रदेश को, उज्जैन से भी, इसी से जुड़े हुए, क्योंकि पहचान बताओ दुकान लगाओ का नियम अब उज्जैन में भी लागू हो चुका है। महाकाल की नगरी में उज्जैन में कड़ाई से इस नियम को लागू किया गया है। उज्जैन नगर निगम ने जुर्माने का भी इसमें प्रावधान रखा है। इसमें साफ कहा गया है कि पहचान छुपाने वालों पर 2,000 रुपए का जुर्माना होगा, अगर पहली बार पकड़े गए तो, और अगर दूसरी बार पकड़े गए नहीं माने तो 5,000 का जुर्माना ठोक दिया जाएगा। उज्जैन जो कि आस्था का महाकेंद्र है, प्रमुख केंद्र में से एक है, मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह जनपद भी है, इसी क्षेत्र से डॉक्टर मोहन यादव आते हैं और वो एमपी के मुख्यमंत्री हैं। अब यहां नाम पहचान का नियम सख्ती से लागू है। कुछ होटल संचालकों के खिलाफ हम लोगों ने FIR की है, लेकिन अगर होटल संचालक तो फिर भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी बैठक लेकर के हम लोग उनको एक बार बता चुके हैं, उन्हें काफ़ी समय भी दिया गया है कि वो लोग इस कार्रवाई को कर लें। यदि होटल संचालक उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर हम होटलों को बंद करने की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये आवश्यक है कि किस व्यक्ति का होटल है, कहाँ पर उसे किससे शिकायत करनी है, ये जो है सभी जो भी लोग रुकने के लिए आ रहे हैं उनको मालूम रहे। तो होटलों पर नाम लिखने में किसी को कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए, इसलिए लिखना चाहिए कि इससे स्पष्ट तरह कि इस होटल का मालिक कौन है, मालिक की आइडेंटिटी तो हो जाए ना कि ये मालिक है, वो छिपाना नहीं चाहिए किसी को भी। तो एक तो ये है कि इसका पालन होना चाहिए, पहले भी इस विषय को उठाया था नगर निगम के द्वारा, किसी कारणों से वो पूर्ण नहीं हो पाया। आज देश के कई हिस्सों में ये चीज़ लागू हुई है, हरिद्वार में लागू हुई है, यूपी में भी लागू कर दी गई है, तो अवंतिका सबसे बड़ा तीर्थ है, तो ये यहाँ भी लागू होना चाहिए। सारे हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, जिनके भी होटल हैं वो अपने मालिकों के नाम स्पष्ट रूप से लिखें।
तो कल से सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और इसी बीच यूपी के कई शहरों में कांवर रूट पर दुकानदारों ने अपने नाम की तख्तियां टांगनी शुरू कर दी है। इनफैक्ट बहुत लोगों ने टांग दिया, इक्का दुक्का अभी बाकी हैं। कहीं खुद दुकानदार ये काम करते दिखे तो कहीं पुलिस ने यह जिम्मेदारी उठा ली। अब खाने पीने की चीजों से लेकर अब पंचर की दुकानों पर, जी हां, साइकिल जहां से पंचर वंचर लगवाते हैं आप गाड़ी में, तो पंचर की दुकानों तक नाम की तख्तियां टंग गई हैं। कांवर के पूरे रूट पर इस बार माहौल गर्म है। तो पुलिस वाले आए थे तो कहने लगे इस पर अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर ले लिख के और यहाँ चिपका दो टंकी पर। अभियान बहुत अच्छा था और इस अभियान को हम फॉलो करेंगे कल से पूरी तरह। हमारी इच्छा होगी हम उनसे लेंगे, हमारी इच्छा होगी हम उनसे नहीं लेंगे। सावन का पवित्र महीना कल से शुरू हो रहा है। लाखों कांवड़ियों का हर की नगरी हरिद्वार से सफर शुरू होने वाला है, लेकिन इस बार ये कांवड़ यात्रा अलग माहौल अलग चर्चा के बीच शुरू हो रही है। विवाद नाम का है जिसका फरमान योगी सरकार ने जारी किया है। फरमान ये कि कांवड़ रूट पर दुकानदार अपने नाम के बोर्ड लगाएं। सहारनपुर से हरिद्वार तक नाम की ही चर्चा है। काशी से गाजियाबाद तक तख्तियां चिपकाई जा रही हैं। पुलिस के अफसर खुद मैदान में उतर कर तख्तियां लगा रहे हैं। पौड़ी से लेकर अलीगढ़ तक तैयारी हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठकें हो रही हैं। मुजफ्फरनगर में अब दुकानों, ठेलों, ढाबों के बाद पंचर की दुकानों को भी नाम के नियम की जद में ले लिया गया है। पुलिस टायर पंचर वालों के यहाँ भी नाम और नंबर के बोर्ड लगवा रही है। लिस्ट भैया, पुलिस वाले आए थे तो कल आए थे और आज आए थे, कहने लगे इस पर अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर ले लिख के और यहाँ चिपका दो टंकी पर। तो खाने पीने की दुकानों पर लगे थे भैया, हमारी तो टायर पंचर की दुकान है, हम खाने पीने का सामान बेचते ही नहीं। कहा नहीं आपने उनसे? हमने कहा था, उन्होंने कहा कि टायरों की दुकान है तो सबको दिख रहा है। कोई खामी न रह जाए इसके लिए अलीगढ़ में तो पुलिस के आला अफसर खुद मैदान में उतर आए हैं। फलों की रेडियों पर पुलिस के आला अफसर खुद ही दुकानदार का नाम लिख कर चिपका रहे हैं। लगता है पुलिस को कुछ ज्यादा ही जल्दी है। अभियान बहुत अच्छा था और इस अभियान को हम फॉलो करेंगे कल से पूरी तरह। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? ये कह रहे हैं अपना नाम और पता यहाँ पे चिपकाइए दुकान पे, जिससे लोगों को पता रहे कि आप कौन है कौन नहीं है। इससे ये फायदा है कि कम से कम ये पता रहेगी कि ग्राहकों को भी सुविधा है कि कौन दुकान लगा रहा है क्या नहीं है। लोग और भी फोर्जरी कर देते हैं इस काम में, वो काम रुक जाएगा। देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन करवाया जा रहा है। जो भी कांवड़ जिस भी रूट से आएंगे उनको रूट को सुचारू रूप से वो चालू रहे, इसके चलते अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। और जो भी जहाँ पर जिस तरह के जो खाने के स्थल हैं वहाँ पर जो है उनसे अनुरोध किया गया है कि वो अपना नाम लिखें और अपना नंबर लिखें, जिससे कि जो भी कांवड़ आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो उस रूट पर। नाम का ये विवाद काशी तक पहुंच गया है। ज्ञानवापी केस से जुड़ी वादी महिलाएं कह रही हैं कि फैसला ठीक है, क्योंकि काशी में भी मुस्लिम हिंदू के वेश में माला फूल प्रसाद बेचते हैं। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, जैसे हमारी कांवड़ियाँ आ रहे हैं, जो तपस्या करके आ रहे हैं, व्रत रख करके आ रहे हैं, जो दुकानदार फल है, फूल है, माला है, जितने भी विक्रेता हैं, हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सभी अपने ठेलों के आगे अपना नाम रखें, अपनी आईडी लगा कर बेचें। हमारी इच्छा होगी हम उनसे लेंगे, हमारी इच्छा होगी हम उनसे नहीं लेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी इस बार सावन को लेकर खास तैयारियां हो रही हैं। 1.5 करोड़ लोग सावन में यहां आएंगे, सीसीटीवी से निगरानी होगी। नाम का ये मामला यूपी के बाद बिहार पहुंच गया है। सरकार ने फरमान तो नहीं दिया, लेकिन बोध गया के महाबोधि मंदिर के बाहर भी दुकानदारों ने नाम की तख्तियां लगा ली हैं, क्योंकि यहां भी कांवड़िये आते हैं जान के लिए लगाने की, भाई कौन किस आदमी का ये है दुकान, किसका आदमी को है दुकान, मालिक कौन है, यह है। नेमप्लेट तो जरूरी होना चाहिए, उससे क्या होता है कि अगर कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ हुआ ये हुआ उससे पता चलेगा कि हम इस दुकान से सामान लिए हैं, फलाने दुकान से सामान लिए हैं, इससे गड़बड़ नहीं होगा। सावन का पूरा महीना बाकी है, उम्मीद कीजिए कि नाम का ये मामला शांति और सौहार्द के सिवा कुछ न लाए। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
चलिए आप सभी को मुजफ्फरनगर लिए चलते हैं आशुतोष मिश्रा के पास। हमारे साथ हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अधिकतर हम लोगों को सुन रहे हैं जो दुकानदार हैं जो वो तो विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां उनके नेता ज्यादा विरोध कर रहे हैं। अब ये जरूर इसमें अपडेट है कि अब पंचर वालों को भी नाम और तख्ती लगानी होगी। जैसे सुरेश है तो सुरेश पंचर वाले, अब्दुल हैं तो अब्दुल पंचर वाले। क्या कह रही है जनता? सिर्फ पंक्चर वाले ही नहीं, अब अभी मैं जहां शूट कर रहा था वो पंक्चर के बगल में एक सलून वाले हैं सुल्तान। अच्छा। उसको भी बोला हुआ था तो वो बोला कि भाई हम कल छुट्टी पे थे नहीं आए। हमारे सामने उसने जाके लिखा, कह रहा है हमें भी बोला लिखने के लिए, कह रहा मुझे तो पता भी नहीं प्रोपराइटर क्या होता है। तो उसको भी बोला, उसने कहीं से दफ्ती वो गत्ता था टुकड़ा उठाया जमीन से, पेन था, नाम लिख लिया, मोबाइल नंबर लिख लिया, तो सुल्तान ने भी लगा दिया। तो जितनी दुकानें हैं, लेकिन हाँ उसका असर जो प्रशासनिक फैसला, देखिए दो चीजें, एक तरफ है प्रशासनिक फैसला, अगर हवाला उस कानून का है कि जिसमें प्रोपराइटरशिप दिखानी होती है तो वो एक अलग मसला है, उसमें सर्टिफिकेट है, नाम होती है, फोटो होती है, डिटेल होती है, वो मुझे नहीं कहीं दिखते। लेकिन हाँ नाम का है तो एक आपको तस्वीर दिखाता हूँ हल्की सी झलक। ये कादिर भाई का रेस्टोरेंट है, इन्होंने भी आदेश के बाद लगा दिया है, संचालक अब्दुल कादिर है, लेकिन इनके कर्मचारी मिंटू, कश्यप, अक्षय, मनीष, बबलू, जुबेर, जुनेद, शुएब, रियासत, बादल, यूनुस। अब हम अब्दुल कादिर के रेस्टोरेंट पर एक आपको बहुत तस्वीर दिखाता हूं। जैसे मेरा कैमरा पीछे घूमेगा आपको यहां दो भोले दिखाई देंगे, भोले यानी वो कांवड़ यात्री जो कांवड़ लेके चले हैं, इनकी कांवड़ यहां पर है, ये रुके हुए हैं, कांवड़ यहां रोक करके अब्दुल कादिर के इस रेस्टोरेंट पे जो मुजफ्फरनगर हाईवे पर है, यहां बहुत सारे कांवड़ यात्री आ रहे हैं और ये दोनों यहां दिखते हैं। तो जरा बस सिर्फ एक सवाल, ज्यादा नहीं, बस कुछ सेकंड में एक सवाल मुझे खाली ये बताइए, अभी यहां पर चारों तरफ लोगों को कहा गया कि अपना नाम डिस्प्ले कीजिए, आप लोग जब यहां रुके थे आपने नाम पढ़ा था कि ये किसका है, हिंदू का है, मुसलमान का है, किसका है? नहीं, ये नोटिस नहीं करा हमने कि किसका है। पहले कभी किया था? नहीं, पहले भी नहीं किया। करने की जरूरत पड़ी थी? नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ी। जब यहाँ रुके थे आप लोग, क्योंकि अभी सबको प्रशासन ने कहा है कि भाई आपका जो असली नाम है पहचान ना छुपाएं, वो लगा के रखें, क्या इससे कोई असर पड़ता है? नहीं, कोई असर नहीं पड़ता, हमने देखा भी नहीं कोई नाम वगैरह का, तीन चल रहा है, हमारे को पता भी नहीं नाम लगाने की बोल रखे प्रशासन ने। ठीक है, एक और बड़ी दिलचस्पी है, ये अब्दुल कादिर की दुकान है, अभी मुझे बता रहे हैं कि जब यात्रा जब तक चलती है तब तक यहाँ लहसुन प्याज से बनी चीजें नहीं बनती हैं। तो कादिर भाई, जो पकौड़े आपने बनाए हैं बिना लहसुन प्याज के कैसे बने? बिल्कुल कोई इस्तेमाल नहीं लहसुन। ठीक है आशुतोष, पूरे कावड़ ऐसे रहेगा। आशुतोष आप नजर बनाकर रखिए।